हालेलुया, मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आप ब्लेस हों और निश्चय और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर रहे। और मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा आज, क्योंकि वचन कहता है कि रोमियो 16 की 20 में कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। शैतान कौन है? शैतान ये है कि जो शैतान हमें परेशान करता है, जो बीमारियां, जो समस्याएं, जो असफलताएं, जो निराशाएं, जो कमियां, जो घटियां, जो भी मुश्किलें, ये कौन पैदा करता है? ये पैदा करता है शैतान। लेकिन अगर हम इन समस्याओं के आगे, क्योंकि इस पॉइंट पर बहुत से टॉपिक हैं और बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लेकर आना चाहता हूँ। इस वो बाकी बातें मैं बाद में आपसे करूंगा और किसी भी और दिन शैतान के बारे में, लेकिन जो मैं सिर्फ इस वचन पे आपकी एक नजर डालना चाहता हूँ। वचन ये कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। क्या आप शैतान को कुचलना चाहते हैं क्या नहीं, ये पहले आप डिसाइड करें कि हाँ मैं शैतान को कुचलना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं शैतान को कुचलना चाहता हूँ, तो निश्चय परमेश्वर आपका जीवनों में आशीष लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं शैतान को नहीं कुचलना चाहता, तो क्या होगा? तो शैतान आपको कुचल देगा। हालेलुया। हम जब हमारे इधर पहलवानी हुई थी, तो अखाड़ा लगा था, तो मैं देखने गया, वहां पे मैंने क्या देखा कि वो ऊंचाई से फेंकता है नीचे, एक आदमी दूसरे आदमी को फेंकता है, लेकिन वो नीचे पैर लगा लेता है, वो इतना जोर लगाता है, उसको ऊपर गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता ताकि उसकी जो कमर नीचे लग जाए, लेकिन वो अपने पैरों से उठा के रखता है। फिर कभी सिर के बल ऐसे, कभी पैर के बल ऐसे, वो अपना पूरा जोर लगा लेता है। किस लिए? ताकि जो ऊपर वाला है वो मुझे हरा ना सके, वो पूरा यत्न करता है, लेकिन ऊपर वाला उसको ऊपर गोल 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 घूमता है। अगर जब उससे नहीं हो, तो वह सरेंडर हो जाता है और वह हार जाता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वचन यही कहता है कि अगर शैतान को हम ना हरा पाए, अगर अपने पांव के नीचे ना कुचल पाए, तो शैतान हमें कुचल देगा। हालेलुया। लिखा हुआ है शैतान तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा दिया जाएगा। हालेलुया। आप पहले ये डिसाइड करें कि आपने कुचलना है कि नहीं कुचलना। जब पहलवान लड़ते हैं, तो अगर वो बड़ा पहलवान देख लो और इतना बड़ा पहलवान, तो उसका भरोसा गिर जाता है, उसका भरोसा डगमगा जाता है, अब तो नहीं यार, वो लड़ेगा जरूर ताकि बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन पल भर में गिर कर टिक कर वापिस आ जाए, क्योंकि उसने देखो रे इतना बड़ा पहलवान, तो घबरा जाता है। हालेलुया। अगर हम समस्या देखते हैं और इतनी बड़ी समस्या, मैं तो हार गया, तो क्या होगा? आप खड़ोगे तो सी हालेलुया हालेलुया करते, हालेलुया हालेलुया करते, लेकिन वो आपको कुचल देगा। हालेलुया। क्यों कुचल देगा? क्योंकि शैतान ने पांव उठाया आपको कुचलने के लिए, लेकिन आप उसे पांव को रोक ना पाए। हालेलुया। क्यों ना रोक पाए? क्योंकि आप यह भूल गए थे कि आपके पास वो तलवार है जो दो धारी तलवार है। हालेलुया। आप उसको चीर सकते थे, मार सकते थे, वो है वचन। हालेलुया। अगर आपके ऊपर समस्या, संकट हावी होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आती है, तो आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाचते हुए आराधना करें, उछलते हुए आराधना करें और स्तुति करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल, निकल 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 निकल, चल बड़ी संकट निकल, ये बड़े पहाड़ तो निकल, ये बड़ी संकट तो निकल, ये बड़ी समस्या तो निकल, यहां से दूर हो जा। हालेलुया। तो क्या होगा? वो दूर हो जाएगी। हालेलुया। अब डिसाइड हमने करना है, कुश्ती में लड़ने जाना है, मैदान में लड़ने जाना है, या बड़ा सारा पहलवान देखकर डर के जाना है। हालेलुया। नहीं, हमने जाना है, जितने मर्जी बड़ी समस्या, हमने मैदान में जाना है। अच्छा ये, अब ये समस्या आ गई, पहले तो ये करके हटा था, अब ये समस्या आ गई, कोई ना, असी यहोवा दा नाम लेकर पार लंघ जावांगे। हालेलुया। कि हम प्रभु का नाम लेकर इन समस्याओं से पार निकल जाएंगे। हालेलुया। तो हम क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? वचन ये कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। जब हम पे अनुग्रह होगा परमेश्वर का, तो हम बड़े बड़े संकट से लड़ जाएंगे, बड़े बड़े समस्याओं से लड़ जाएंगे, बड़े बड़ी बीमारियों से लड़ जाएंगे,
बड़ी बड़ी संकटों से लड़ जाएंगे। हमें अनुग्रह की जरूरत है, हमें दया की जरूरत है परमेश्वर की। अगर हम में दया है तो हम ब्लेस हैं, अगर हम में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो हम खाली हैं। हालेलुया। हमने क्या करना है, हमने भरोसा करना है उस महान परमेश्वर पर। हालेलुया। रब्बा सलखा रब्बनम्मा, उस महान परमेश्वर की स्तुति करनी है, उस महान परमेश्वर को महिमा देनी है। जो महान है वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। रब्बा सलखा रब्बनम्मा। और सच में अगर आप चाहते हैं कि शैतान के ऊपर हम उछलें, हालेलुया, जैसे क्या हुआ था, गोलियत मार दिया गया था और क्या हो रहा था, वो नाचा। हालेलुया। उसको जब राजा ने कहा कि तुम मेरे वस्त्र पहन ले, कहते नहीं नहीं ये वस्त्र तो भारी हैं, मैं तो मेरे गोफन से मारूंगा। हालेलुया। और उसने मारा। हालेलुया। ऐसे ही हमने डरना नहीं है बड़ी समस्याओं से, संकट से। शैतान आज ये नहीं तो आज बेटे ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, नहीं तो पति ने कर दी, नहीं तो बेटी ने कर दी, अब माँ करे तो करे क्या, या पहले पति है, पति का पत्नी ही परेशान कर रही है, फिर कह रहे बच्चे परेशान कर रहे हैं, कोई कहता मैं सास से परेशान हूँ, कोई कहता मुझसे परेशान हूँ, दुनिया में परेशानी चलती रहती है। हालेलुया। लेकिन परेशानियों में आनंद लेने वाले वो मसीह लोग हैं। हालेलुया। जो परेशानी में भी आनंद लेते हैं, जो ये कहते हैं संकट आ गया कोई बात नहीं परमेश्वर है ना, बीमारी आ गई कोई बात नहीं परमेश्वर है ना। हालेलुया। वचन कहता है अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो शैतान आप लोगों को कुचल देगा, अपने पांव के नीचे कुचल देगा, आपके घर को कुचल देगा, आपके बिजनेस को कुचल देगा, आपकी दुकानों को कुचल देगा, आपके कारोबार को कुचल देगा, आपके घर के हालातों को कुचल देगा, आपका जीवन को कुचल देगा, आपके भविष्य को कुचल देगा और आपके आने वाले कल को कुचल देगा। हालेलुया। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, शैतान को कुचलना है अपने पांव के नीचे। हालेलुया। और अगर शैतान हम पे हो गया हावी तो क्या करेगा अगला। हालेलुया। हमारे यहाँ पे कोई तांत्रिक था और वो भूत निकाल रहा था, जब छठ थी तो क्या हुआ कि वो छठ में जब भूत निकालने लगा और भूत ने क्या किया, उस तांत्रिक को पकड़ लिया, क्या हो गया, उसको खा गई वो। जब खा गई तो परेशान हो गए वो, अब करेंगे, सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वो जो दुष्ट आत्मा थी वो उसको पर हावी होगी। हालेलुया। और तब क्या हो गया, कुछ कर ना पाया तांत्रिक, क्यों ना कर पाया, शैतान ने उसको कुचल दिया अपने पांव के नीचे। अच्छा तू कौन है। हालेलुया। और जैसे पौलुस और सिलास जाते थे भूत निकाला करते थे, उन्होंने भी क्या कहा, हम भी निकालते हैं। हालेलुया। जो वो जो थे लोग थे उन, जब वो निकालने लगे, चल प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो क्या निकली वो। हालेलुया। कैसे अद्भुत अद्भुत चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास जो थे, जो वो भावी कहने वाली थी उनको कहा करती थी, ये परमेश्वर लोग जा रहे, परमेश्वर लोग जा रहे, आपको पता ही है, उसने जब प्रार्थना करती सब इनका बंडा गोल हो गया था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर के नाम से वो क्या कह रहे हैं कि उसके नाम से निकल जा, तो क्या हुआ, वो हावी हो गई। तो वो क्या कह रही है, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं सिलास को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो। हालेलुया। तो क्या होगा, हावी हो गई थी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई हावी ना हो, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर हावी ना हो, अपने आप को बदले, अपने आपके जीवन को बदले, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। शैतान नहीं आपको कुचले बल्कि आप शैतान को कुचलने वाले हो, और अपने आपको इतना स्ट्रांग बनाए, इतने हिम्मत वाला बनाए, ताकि परमेश्वर आपका जीवन में आशीष लाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने सिर पे हाथ रखें, अगर आप चाहते हैं कि हम शैतान को कुचल सके। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, या जो लोग शैतान को कुचलना चाहते हैं, अपने हालातों को कुचलना चाहते हैं, अपनी बीमारी को कुचलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए मेरे पिता, अपनी सामर्थ, अपनी बल, अपनी रूह की आग से इन्हें भर दे मेरे पिता, और इनका जीवन में मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए, आपकी आशीष इनके ऊपर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी सामर्थ्य के द्वारा ये ब्लेस होने पाए, आपकी आशीष के द्वारा ब्लेस होने पाए मेरे पिता। आज ये कहें कि मैं शैतान को कुचलने वाला हूँ, बल्कि शैतान मुझे ना कुचले, आज ये शैतान को कुचलने वाले हो, ये ब्लेस हो, ब्लेस 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 हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका जीवन मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता, इनको ब्लेस करो, ये आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।